क्या बोलूं? लेकिन जो है ना पाकिस्तानी लोग वो ज्यादा मेहमान नवाज है। ये आप हमें मौका तो दीजिए, एक बार आइए वहाँ पे, हम आप लोगों का वेलकम करते हैं। सर मैं बहुत दूर से आया हूँ आप लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए, अच्छा लग रहा है, इसमें आप मना मत कीजिए, आपको अच्छा रहेगा। ये हमारे हिंदुस्तान से भाई आए हैं और गफ्फार भाई हैं, बहुत जबरदस्त। हेलो एवरीवन, कैसे हो जनाब? मेरा नाम है गफ्फार मुसाफिर और एक बार फिर से आपके चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं हूँ अभी पाकिस्तान लाहौर में। लाहौर पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और पंजाब प्रोविंस की एक कैपिटल है। तो आज मैं यहाँ पे लाहौर में ट्रेन जर्नी करने जा रहा हूँ। यहाँ की ट्रेन बहुत ज़बरदस्त बताई जाती है, वो जर्नी करूँगा, खुद भी एक्सपीरियंस करूँगा और आप लोगों को भी बताऊँगा। चलिए वीडियो की करते शुरुआत। पहले अभी को वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई साहब शोर बहुत है, आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। तो अभी ट्रेन पे जाने से पहले मुझे हल्की सी भूख सी लग रही थी। भैया कैसे हैं आप? नहीं वीडियो नहीं, आपको नहीं, उधर तो लाने दो। कैसे है ये? 30 का 50 का और 30 का दे दीजिए ना। वीडियो में क्या दिक्कत है? ठीक है आपको नहीं दिखा रहा हूँ मैं। क्या बोलते क्या इसको? चना चाट। तो ये भाई लिया मैंने चना चाट 30 रुपए का, मैं इसको खा के फिर आपको पैसे देता हूँ। ये है भाई क्या बोलते हैं चना चाट। जबरदस्त। मैंने इंडिया में रहकर कभी ट्रेन जर्नी नहीं दिखाया, मेट्रो जर्नी नहीं दिखाया और पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान का ट्रेन जर्नी दिखाने जा रहा हूँ। अपना कुछ दिखाता ही नहीं हूँ, बाहर कंट्रीज का जाके दिखाता हूँ, कोशिश करूँगा अपना भी सब कुछ दिखाने का। ये सामने है इसका एंट्रेंस। पिछली बार तो मेरा कैमरा बंद करवा दिया था, इस बार करवाएंगे या क्या कहते हैं देखा जाएगा। एक साइड पे एस्केलेटर, सेम लाइक जैसे दिल्ली मेट्रो है ये एस्केलेटर, और इस साइड पे आप स्टेयर्स देख सकते हैं। भैया ये स्टेशन का नाम क्या है? ठोकर नियाज़बेग। ओके थैंक यू। ये जो स्टेशन है जिस स्टेशन से मैं बोर्डिंग करूँगा यह ठोकर नियाज़बेग। यहाँ से आप लोग मैनुअल टिकट भी कर सकते हैं। क्या भाई सिर्फ कॉइन एक्सेप्ट करते हैं? जी कॉइन एक्सेप्ट, कैश नहीं। अभी इन्होंने कह दिए हैं 10-10 रुपए वाले नोट। ओके अब मैंने एक्सचेंज कर दिए हैं, कॉइन दे दिए। ओके तो आप मेरी टिकट बना देंगे? अगर आपके पास 10 वाले नोट अवेलेबल है। नोट तो है मेरे पास पर ये नहीं, कॉइन्स नहीं है। नहीं नहीं आप मुझे 10 वाले नोट दे दें। ओके मैं आपको चेंज कर दूंगा कॉइन के साथ। चलो थैंक यू जी। 20 वाले नहीं चलेंगे जी? 20 वाले भी चलते हैं। 10 और 20 ठोकर नियाज़बेग की चाहिए थी। ठोकर नियाज़बेग की, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जैन मंदिर की अनारकली। 40 रुपीज़ पहले 35 था, इंक्रीज हो गया। अब 40 हो गया? सही हो गया जी। तो भाई साहब ये आप मैनुअल टिकट भी बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉइन एक्सेप्ट किए जाते हैं, जैसे कि ये भाईजान डाल रहे हैं कॉइन्स। कितने स्टॉप दूर है यहाँ से जैन मंदिर? ये अभी 25 नंबर है स्टेशन, 1 किलोमीटर के फासले पे है, वो 13 नंबर पे है जो। ओके 25 नंबर पे है। ओके थैंक यू। कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है? वहाँ से टोकन स्कैन करके तो ये वाले सीढ़ियों पर। थैंक यू। तो ये है भाई इनका स्कैनर। थैंक यू, थैंक्स ब्रो।
ये वही टोकन मिला मुझे, इस टोकन से ये खोल लीजिए और ये चले जाइए। सही है, बिल्कुल दिल्ली मेट्रो की तरह है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ सर, मैं बहुत दूर से आया हूँ आप लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा लग रहा है, इसमें आप मना मत कीजिए, आपको अच्छा रहेगा। आपने खुद की वीडियो बनानी है तो बना ले, कोई इशू नहीं है। चलो मैं खुद की तरफ कैमरा कर लेता हूँ। अच्छा लग रहा है सर, इंडिया से आया हूँ, गले लगा मुझे। चैनल है गफार मुसाफिर, चेक कर लीजिए आप यूट्यूब पे। हाँ भैया बोल रहे थे वीडियो नहीं बनानी है, मैंने कहा खुद की बना रहा हूँ वीडियो, ट्रेन की बनानी है, ट्रेन जर्नी दिखाने आया हूँ, उसे की बनाऊँगा। ये है ऑरेंज लाइन, ये रहा भाई साहब प्लेटफॉर्म। ज़बरदस्त है यार, बिल्कुल क्लीन, सफाई अच्छे तरीके से। सामने आके ट्रेन खड़ी हो गई है, यहाँ पे मैं ट्रेन बोल रहा हूँ और वहाँ पे दिल्ली में मेट्रो बोला जाता है इसको। सही है, हेलो भाई, ये ऐसी ट्रेन्स कितनी है यहाँ पे? मैं खुद मुल्तान का हूँ। खुद मुल्तान से हो? ओके, ये ट्रेन्स कितनी है यहाँ पे ऐसे वाली? मुझे पता नहीं, पता उत्तर प्रदेश। ओके सर, ये ट्रेन्स कितनी है यहाँ पे? और कितनी ट्रेनें चलती हैं? ये वाली ट्रेन, ऐसे वाली ट्रेन, ऐसे वाली 27 ओके 27 ट्रेन्स, थैंक यू। लाइंस कितनी है? लाइंस कितनी है? टू लाइंस है, एक ऑरेंज लाइन, दूसरी दोनों सेम है। यस, चलो सही है सर, थैंक यू। अच्छा माशाल्लाह, आप इधर वैसे किस घूमने आया हूँ? घूमने घूमने हाँ, अच्छी है ट्रेन आपकी भी, ज़बरदस्त। सेम ट्रेन ऐसी दिल्ली में है? दिल्ली में हाँ, बिल्कुल सेम है ये। और आप देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश और लिखा हुआ है, जैसे कि इंडियन ट्रेन्स पे होता है हिंदी लिखा होता है, यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू लिखा होता है। मुझे दे दे, मैं कहीं लिख दे। अभी हम हैं हंजरवाल स्टेशन पे और मुझे उतरना है अनार गली। ऐसे जाएगा, ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ऐसे करें। जैन मंदिर अनार गली में आता है ना, है ना? ये भाई ने बताया, थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू। चलो मैं थोड़ी ट्रेन दिखाता हूँ। तो बिल्कुल वैसे ही साउंड आती है जैसे कि डोर बंद होने से पहले वहाँ पे दिल्ली में आती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रायोरिटी फॉर वुमेन, सीनियर सिटीजन्स एंड स्पेशल पर्सन के लिए। सही है, स्पेशल सीट्स भी हैं यहाँ पे लेडीज़ के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, जैसे कि ये वाली हो गई। बाहर का नज़ारा भी ले लीजिए भाई, पूरा पंजाब की तरह ही दिख रहा है, ज़बरदस्त।
ये लेडीज कैबिन है, सॉरी ये लेडीज कैबिन है, हां लेडीज है, एक ही कैबिन है लेडीज का, यस एक फ्रंट में, यस इट इज, ओके थैंक यू, आप कैसे हो? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू मैन? या वेरी गुड, ओके आपके ट्रेन जर्नी दिखा रहा हूं, ओके घूमने आया हूं पाकिस्तान में, आई थिंक वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया, से कैसा है वहां पे सब? सब अच्छा है, आपका ट्रेन सिस्टम भी बहुत अच्छा है, थैंक यू बढ़िया है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे लग रहा है, नहीं नहीं ऑलमोस्ट टू ईयर्स हो गया, टू ईयर्स हो गए, yes. फिर भी आपकी ट्रेन बहुत डिटेंट क्लीन है और बहुत थैंक यू सर, अच्छा लगा हमें देख के, अच्छा आपका मोनेटाइज्ड चैनल, मोनेटाइज्ड है, अच्छा किस नाम से है? गफार मुसाफिर, इसके आगे भाई मैं नहीं दिखाऊँगा, ये सब लड़कियों का कैबिन है, टोकन के साथ साथ आप कार्ड का यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ वहाँ भी होता है, एडवांस रिचार्ज करके आपको टोकन के लिए खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका यूज़ करके इजीली एंट्री ले सकते हैं या एग्जिट ले सकते हैं, थैंक यू, तो भाई सब ये था अपना 13 नंबर का अनारकली स्टेशन, उतर गया हूँ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छी ट्रेन है, सफाई भी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत बनाया जा रहा है, पूरा अच्छा लग रहा है, देख लीजिए आप लोग काम चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त बना रहे हैं, चलो भाई पाकिस्तान की ट्रेन जर्नी ख़त्म हुआ, मज़ा आया, अच्छा लगा, बहुत सफाई थी, बहुत क्लीन था और इट्स लाइक मेट्रो, बिल्कुल दिल्ली मेट्रो की तरह है, और मैं हूँ अभी एक बार फिर से बता देता हूँ लाहौर में, लाहौर के लिए अक्सर बताया जाता है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, तो आया हूँ देख लूँ लाहौर को कैसा है, कैसा खाना है, क्या है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अनारकली मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही आप सामने जैन मंदिर देख सकते हैं, और ये लाहौर में ही है, और आपको मेरे सामने दोस्त है, अरे वाह मेरे भाई आ गए, माशाल्लाह मेरा वेलकम हो रहा है, अरे वाह दोस्तों ये हमारे हिंदुस्तान से भाई आए हैं और गफ्फार भाई हैं, बहुत ज़बरदस्त हमारे प्यारे भाई हैं, हम हमेशा पाकिस्तान से अमन प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं पूरे हिंदुस्तान को, जो भी हिंदुस्तान से हमारे पाकिस्तान में आता है उसके लिए हमारा हमारे दिल हमारी जान उनके लिए हाजिर है, और फूलों के साथ स्वागत होता है जिस तरह हमने शाह भाई का किया था, क्या कहेंगे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, ये पाकिस्तान के लोगों की मोहब्बत है, बहुत अच्छा लगता है भाई, आप घबराए नहीं, ये साफ़ कर देंगे यार, मैं खुद ही साफ़ कर दूंगा, अच्छा ये मैं अपनी ऑडियंस को बता देता हूँ, ये है मेरे दोस्त यहाँ के पाकिस्तान लाहौर के, अभी बाहर ही निकला था, मैं दिखा रहा था कि सामने जैन मंदिर है, और आते ही मेरा वेलकम किया, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल वहाँ से आपको देख रहा था दोस्तों, okay, पिछले 6 महीने से गालबन हम इनका वेट कर रहे थे, और जब शहाब भाई आए थे उस वक्त भी हमारे यही तासरात थे, आज गफ्फार भाई आए उस वक्त भी हमारे यही तासरात थे, अब इनको घुमाएंगे फिराएंगे खाना खिलाएंगे और घर भी लेकर जाएंगे, फिर उसके बाद हम प्लान करेंगे हमने पाकिस्तान में कौन कौन सी जगहें देखनी है, okay. किन किन जगहों पे जाना है, yes, बिल्कुल, बिल्कुल. तो बिल्कुल गफ्फार भाई आप हमारे पास आ चुके हैं, आपकी ऑडियंस से मैं कहूँगा आप लोग परेशान ना हो, हमारा दिल हमारी जान इनके लिए हाजिर है, और बिल्कुल, जितना दिन ये पाकिस्तान में रहेंगे इनका ज़बरदस्त तरीके से वेलकम होगा, और जहाँ भी जाएंगे मुझे उम्मीद है इनको प्यार मिलेगा मोहब्बत मिलेगी, पाकिस्तान अमन प्यार मोहब्बत का मुल्क है, बिल्कुल थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत अच्छा लगा, लाहौर के लोगों ने मेरा स्वागत किया स्पेशली अरशद भाई ने, और उसके बाद
ये कुछ मीडिया पर्सन थे, हाँ सहर नकवी एंड सलमान, इन्होंने भी मेरा अच्छे से स्वागत किया, अच्छे से बात करी और मुझे बहुत अच्छा लगा। लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, राइट? यस कैपिटल एंड बिगेस्ट लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब ये लाहौर है, और लाहौर बहुत अच्छा इसको बोलते हैं, लाइक जिसने लाहौर नहीं तकिया जमे ही नहीं, हाँ जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और थोड़े से पंजाबी, आई कैन स्पीक पंजाबी फ्लुएंटली, जिन्होंने लाहौर नहीं देखा वो अभी तक पैदा नहीं हुआ। चलें ठीक है, आप लाहौर के देखेंगे, अच्छे तरीके से सब कुछ घूमेंगे, लेकिन कुछ मुझे यहाँ पे मीडिया पर्सन मिल गए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आपने जैसे कि मुझे पाकिस्तान के बारे में क्वेश्चन पूछे, तो थोड़े से मैं रिव्यूज़ लेना चाहूँगा आपको लेके इंडिया के बारे में, थोड़ा सा जस्ट गिव मी द रिव्यूज़ लाइक यू नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया। इंडिया की अगर रिव्यू की बात की जाए तो इंडिया अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए तो वो आगे अब हाई लेवल है, अगर उसकी इकोनॉमी की बात की जाए वो भी ऑब्वियसली उसकी हाई है, लेकिन पाकिस्तान की थोड़ी नीचे है। ओके पाकिस्तान को इसके लिए मैं क्या बोलूं, लेकिन जो है ना पाकिस्तानी लोग वो ज्यादा मेहमान नवाज है। इंडिया खैर मैं कभी गई नहीं इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मेहमान नवाज है। देखिए ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये भी इंडिया से है। इंडिया में भी मेहमान नवाज बहुत है, ऐसा नहीं, आप हमें मौका तो दीजिए, एक बार आइए वहाँ पे, हम आप लोगों का वेलकम करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि आप जस्ट गिव अ मैसेज लाइक दिस, इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती, एक मैसेज देना चाहूंगी कि जो है ना कि पाकिस्तान और इंडिया में जो एक जंग चल रही है कि कभी मिल नहीं सकते, तो इस चीज को खत्म करना चाहिए कि ये चीज खत्म हो और दोनों मुल्क मिलकर रहे, और ये जो कश्मीर का मसला है इसको भी सॉर्ट आउट होना चाहिए ताकि आना जाना लगा रहे और जो वीजे नहीं मिलते करते हैं दूसरे पे, ये चीज कम होनी चाहिए और दोनों में दोस्ती का रिश्ता कायम होना चाहिए। यहाँ से कुछ खा लेते हैं, बताओ क्या लेना है। ये क्या है भाई? कश्मीरी मकई। दे दो फिर, मैं कश्मीरी हूँ। इंडिया से आए मेहमान, आप ये दे दो हमें, ये कश्मीर भी तो हम भी जाते जाते हो इंडिया कश्मीर में? नहीं, हम पर्वत कोटा नहीं है, आगे चिरा कोटली रौला कोट, ये तो पाकिस्तान में है ना। मैं इंडिया से आया हूँ, हम उधर जो है ना चली भेजते। ये दीजिए, कम से कम दे दीजिए, बस टेस्ट ही करना है। 20 का दे दीजिए, 20 का। नहीं और रखो अर्शद भाई, 20 रुपये ही रखो यार, कोई बात नहीं है, रखो 20 रुपये, कोई ज़्यादा तो नहीं है। अर्शद भाई ने मेरे स्वागत के लिए पानी भी, और कौन सा लेंगे, कोक लेंगे स्प्राइट लेंगे, कुछ भी ले लूँगा। कितने हो गए, कितने हो इन्हें, किन्ने हो गए दसो मैनु। गुड किन्ने हो गए, अज तो बड़े पैसे हो गए, किन्ने हो गए ने, किन्ने ने, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, किन्ने हो गए ने, मैं भी दे देवा, किन्ने किन्ने देवा, किन्ने किन्ने कितने दूँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30 कितने दूँ, बस क्या और ले, हैप्पी स्माइल कर, आप ऐसे कर ऐसे। थोड़ी सी लाहौर के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ कि लाहौर पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, कराची के बाद लाहौर आता है, और दुनिया की 26 लार्जेस्ट सिटी है, मींस दुनिया की जितनी भी सिटीज़ हैं उसमें लाहौर का 26 नंबर आता है। ये पंजाब प्रोविंस की कैपिटल भी है, डिवीजन भी है और डिस्ट्रिक्ट भी है। इस सिटी में 13 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, और यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, हिस्टोरिकल साइट्स, कल्चरल साइट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और मैं आया हूँ यहाँ पे लाहौर को एक्सप्लोर करने, लाहौर को देखने, खुद भी देखने और आप लोगों को दिखाने। फिलहाल आज की वीडियो थी आपको पाकिस्तान का ट्रेन जर्नी दिखाना, इसको यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन बोलते हैं। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान
फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखें। और इम्पोर्टेंट मैसेज, अपने बच्चों को फ्यूचर की इम्पोर्टेंस बताएं उनको, दारू बीड़ी गुटखा तंबाकू शराब इन सारी गंदी आदतों से बचाएं।